भट्टू मंडी आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म हुई आयोजित। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गांव भट्टू मंडी के पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र में शुक्रवार को गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदायगी की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सुपरवाइजर राजकौर ने की। इस दौरान गर्भवती माता रीटा, प्रीति, सोनिया, कमला के गोद भराई की रस्म की गई। उपस्थित जन को सुपरवाइजर राजकौर ने गर्भवती माता के खान पान, साफ सफाई और पौष्टिक व संतुलित आहार लेने बारे विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन हो, ऐसा आहार एक गर्भवती महिला को लेना चाहिए। स्वस्थ भोजन हमें एक खुशहाल जीवन देता है। अपने स्वास्थ्य की जांच व टीकाकरण समय समय पर करवाते रहना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद माता को अपना दूध शिशु को पिलाना बेहद जरूरी है। अनीमिया को दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसम अनुसार फल अधिक से अधिक सेवन करने चाहिए। जो बच्चे प्ले स्कूल में आते हैं और अभिभावकों की मीटिंग ली गई है, उन्हें बताया गया कि प्ले स्कूल में खेल खेल के माध्यम से बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। प्ले स्कूल में एक्टिविटी करवाने के लिए सभी खिलौने व सामान उपलब्ध है। इस बारे में सभी अभिभावकों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा घर घर जाकर पोषण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस मौके पर आंगनवाड़ी वर्कर रेणु, उर्मिला, यशवंती, राजबाला, रीटा, सुनीता, हेल्पर मंजू, बिमला सहित अन्य ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रहीं। भट्टू कलां खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय पर सरपंचों के धरने पर विधायक ने पहुंच करवाया समाप्त। भट्टू कलां खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय पर चौथे दिन शुक्रवार को सरपंचों के धरने में विधायक धुड़ाराम ने पहुंचकर उनकी मांगे सुनते हुए इसे समाप्त करवाया। इस दौरान आमरण अनशन पर बैठी ढाबी खुर्द की महिला सरपंच मोनिका को उन्होंने जूस पिलाकर उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज मांगे अतिशीघ्र पूरी होंगे। इस पर सरपंच ने अपने तीसरे दिन आमरण अनशन समाप्त किया। भट्टू खंड सरपंच एसोसिएशन द्वारा खंड प्रधान चंद्रमन कोटलिया के नेतृत्व में अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी भजनलाल के तबादले व उचित कार्रवाई करने, पंचायत व मनरेगा के विकास कार्य संबंधित पेमेंट देने, मनरेगा मजदूरों की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की गई। विधायक धुड़ाराम ने कहा कि ये सभी मांगे उनकी तुरंत पूरी होंगी। वहीं उन्होंने कहा कि सरपंच, पंचायत समिति व अधिकारी जनता हित के लिए कार्य करने के एक दूसरे की कड़ी हैं। इसको लेकर जो हुआ गलत हुआ, हमें आपस में बैठकर मुद्दे को हल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार संबंधित कोई भी शिकायत हो तो उस संबंध में मुख्यमंत्री सख्त आदेश दे चुके हैं, उस पर अवश्य कार्रवाई होती है। उन्होंने बताया कि BDPO का पहले ही तबादला हो गया था। कोर्ट से सटे होने से वे यहाँ कार्यरत थे। विवाद न बढ़े इसको लेकर उन्होंने उपायुक्त से भी बात की। अब BDPO ने एक माह की छुट्टी ले ली है। वहीं पेमेंट किसी की नहीं रोकी जाएगी। सरकार चाहती है कि हर कार्य ईमानदारी से व गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हो। इस विवाद को हल को लेकर पंचायत समिति वाइस चेयरमैन बंसीलाल व सरपंच प्रतिनिधि बलजीत बेनीवाल ने एसोसिएशन व प्रशासन के बीच अहम भूमिका अदा की। पूरे मामले को लेकर उन्हीं के प्रयासों से वीरवार देर सांय तक विधायक व एसोसिएशन शिष्टमंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसके बाद आखिरकार इस मामले में शुक्रवार को विधायक ने निपटारा करवा दिया। इस अवसर पर अनेक लोग मौजूद रहे और जो मांग थी वो भी विधायक जी के समक्ष रखी और लिखित रूप में भी मांग पत्र विधायक जी को दिए। अब मैं निवेदन करूंगा कि विधायक जी इन मांगों के बारे में अपने विचार रखें। तो हमारी सरपंच मोनिका जी जो अनशन पर बैठी है, भूख हड़ताल पर बैठी है, उनका भी अनशन समाप्त करवाने की कृपा करें और पूरा भरोसा दिलवाकर पंचायत समिति का और ब्लॉक समिति का आपस में एक कड़ी है। कई आपस में कड़ी ठीक तरीके से नहीं चलेगी तो इलाके का, गांव का विकास होता है। ये घटना जैसे मैंने कहा, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, हमेशा आदमी का बर्ताव हमेशा को ठीक रखना चाहिए। अपना पंचायत समिति का, BDO का सरपंच वगैरह काम नहीं चलता, सरपंच का BDO वगैरह काम नहीं चलता, पंचायत समिति के दूसरे स्टाफ बिना काम नहीं चलता, आपस में मिलजुल के काम करना चाहिए।
जो भी हुआ गलत हुआ, मैंने कल परसों बात की, कल की तो देखते हैं कि जिसको दूर करने की बात हुई। तो आपने कहा तबादला तो मेरे वीडियो का पहले भी यहां से पहले करवाया हुआ है, लेकिन वो कोर्ट के कारण यहां रुके हुए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से तो तबादला उसका पहले भी कराया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद ही कल सीनियर अधिकारियों से बात करके मैंने कहा भी आप जब तक ब्लॉक समिति सरपंच नहीं चाहते तो आप वहां मत रहिए। तो उनको कह के उनको कल मैंने कहा आप छुट्टी पर जाए, इस बात को माने और छुट्टी पर जाए। दूसरी शिकायत की बात है, जो भी आप लिख के शिकायत देंगे, चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई वीडियो हो, चाहे दूसरा अधिकारी हो, जो भी किसी में करप्शन की शिकायत मिलेगी उसके खिलाफ पूरी इंक्वायरी कराई जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें किसी बात का कोई रियायत नहीं। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आदेश है, कहीं भी करप्शन की बात आती है सरकार इस बात में पूरा आपके साथ है। बेटों की बात है, और है कोई बताओ, आज ही करवा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जो भी आप समस्या बताओ कराओ। और मैं अभी कहूंगा सरपंच मोनिका जी से, कहूंगा भी जो भी आपकी दिक्कत है वो उसको दूर करें। बाकी जो आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरा पानी चाय पी के नाम नहीं, मैं कराऊ सही, लेकिन सरपंच तो करनी पड़े जी, प्रार्थना भी करनी पड़े करें। इसके अलावा भी मैं आपके साथ हूँ, जो भी समस्या से पंचायत हो की और की कोई भी हो, हर तय वर्गत आपके साथ हूँ, भी आपका साथी हूँ, आपका भाई हूँ। राजकीय महाविद्यालय भट्टुकला में शहीदी दिवस पर पेंटिंग प्रतियोगिता हुई आयोजित। राजकीय महाविद्यालय भट्टुकला में शहीदी दिवस के पूर्व दिवस के अवसर पर शुक्रवार को पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। रक्षा अध्ययन व शारीरिक शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता का प्राचार्य डॉक्टर सुभाष सिहाग ने निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने विद्यार्थियों को देश प्रेम से ओतप्रोत इस तरह के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस प्रतियोगिता में किरण ने प्रथम, अमनदीप ने द्वितीय और सुमन व रेणु ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। निर्णायक मंडल की भूमिका प्राध्यापक सीताराम, हरीश कुमार, दिल सुखराम ने निभाई। वीर शहीद को याद करते हुए शारीरिक शिक्षा विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर रविंद्र भूम्बक व रक्षा अध्ययन के प्राध्यापक अनिल ने विद्यार्थियों को वीर सैनिकों के बलिदान के विषय में बताया। उन्होंने बताया कि हरियाणा की माटी के लाल व अन्य राज्यों के जो सेना में भर्ती हैं, सैनिक देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थी अपने घर रात्रि को शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने परिवार सहित एक दिया अवश्य जलाएं, ताकि देश प्रेम की भावना हर सदस्य में जागृत हो। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में पेंटिंग के माध्यम से अपने देश प्रेम की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुलखेड़ा में विज्ञान प्रदर्शनी हुई आयोजित। राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुलखेड़ा में शुक्रवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्य अध्यापक जयदेव भारद्वाज ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि विज्ञान अध्यापिका सोनिया प्रजापत ने बच्चों को पर्यावरण व स्वास्थ्य विषय पर चार्ट व मॉडल तैयार करवाए। सभी बच्चों ने बहुत ही तमन्यता से ही प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। बच्चों ने बहुत ही गहराई से दोनों विषयों को छुआ। लड़कियों ने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उपयोग के बारे में वर्किंग मॉडल तैयार किए। मॉडल और चार्ट के माध्यम से बच्चों को विज्ञान के विषय वह अच्छी तरह से समझ आते हैं और सुनने वालों को भी पता चलता है कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें विजेता प्रतिभागी बाद में खंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर देशराज माचरा, किशन कुमार एंचरा, सुरेंद्र कुमार, महेंद्र सिंह, अनिल कुमार, मोनिका रानी सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे।